यार पहला शॉट हमने मिस कर दिया, हमारा टूट गया। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अदर्स व्लॉग्स। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम फिशिंग करने वाले हैं, मछली पकड़ने वाले हैं और नदी के किनारे हम आ ही चुके हैं। तो आज मछली पकड़ते हैं, देखते हैं पकड़ में आती है कि नहीं। अगर नहीं पकड़ में आएगी तो कल भी आएंगे, फिलहाल देखते हैं। अगर आज पकड़ में आ गई तो कल आने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम जो लाए हैं कांटा वाटा उसको सब सेट करते हैं जल्दी से। हमारे साथ मेरा छोटा भाई है और इधर एक भैया है और हम तीनों मिलके मछली पकड़ेंगे। अभी फिलहाल सेट कर रहे हैं हम लोग, घर से सब कुछ ले आए हैं, चारा ले आए हैं घर से और कांटा ले आए हैं सब। तो गाइस हमारा पहला कांटा जो है वो बन चुका है और ये डंडी में लगा हुआ है और आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। ये अपना कांटा है, इसमें हम लोग चारा लगाएंगे और चारा लगाने के बाद इसे जो है पानी में फेंक देंगे। ये बैठने के लिए थोड़ा सा मदद करेगा ताकि ये बहे ना, और ये इसके ऊपर लगा है ताकि ये ऐसे पानी में तैरता रहे और जब ये मछली खींचे इस चारा को तो ये डूबे और हम इसे डंडी से खींच ले। तो अभी इतना हो चुका है, चारा भी हम घर से ले आए थे। चारा वैसे तो जिंदा चारा खिलाया जाता है लेकिन हम आटा ले आए थे। तो गाइज ये बेस्ट प्लेस है मछली मारने के लिए क्योंकि यहाँ खाली है। ये चारा और पहला शॉट हमने मिस कर दिया, हमारा टूट गया वो जो फोन लगाया था मोटर। गाइस कांटा लगा दिया है और केवल इंतजार करना है, बहुत पेशेंस चाहिए। अगर फंसी नहीं फंसी फिर कांटा निकालेंगे, वो किनारे किनारे से उस चारे को खा लेती, एक साथ नहीं खाती इसलिए फंसती नहीं। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, बस कांटा डाले हैं, बार बार निकाल रहे हैं फिर उसका, फिर चारा चेंज करके फिर से फेंक रहे हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है नदी के किनारे इस समय हम बैठे हुए हैं और काफ़ी ठंडा ठंडा व्यू, ठंडा ठंडा नज़ारा है और ठंडा ठंडा व्यू भी आ रहा है। उधर भी भैया लोग बैठे हुए हैं, इधर हम अपना कांटा लेके बैठे हुए हैं। ये है मेरा कांटा, पानी में गया है उधर। देखते हैं कब तक मिलती है मछली, आज मिलती है कि कल मिलती है। फिलहाल आज मार के ही जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। एक कांटा इधर चला गया पानी के अंदर, एक कांटा वहाँ फंस गया है। तो दो तीन घंटे हमने काफ़ी मेहनत किया लेकिन जो है बार बार चारा चेंज किया, लेकिन बाद में हुआ क्या कि अंदर पता नहीं होता ना क्या है, तो कांटा फेंका वही फंस गया, खींच रहे थे और डोरी भी टूट गई। बहुत सारे फेलियर थे अंदर डालते समय क्योंकि आता नहीं था ना, ऐसे घुमा के फेंकना होता था, कभी पीछे ही चला जाता था। तो फिलहाल तो मेरे दोनों कांटे फंस चुके हैं और वो टूट भी चुके हैं, तो अब नया कांटा खरीदना होगा और हम नेक्स्ट डे आएंगे। और फिलहाल आज के लिए तो कुछ नहीं मिला। तो गाइज ये डे टू है और हम फिर से आ चुके हैं नदी के किनारे और आज
फिर हम पकड़ेंगे मछली और देखते हैं पकड़ में आती है कि नहीं। हालांकि आज चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कल रात को हुई थी बारिश, इसलिए पानी थोड़ा गंदा हो जाएगा और गंदे पानी में जो मछलियाँ हैं वो किनारे की तरफ आती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। सो गाइज, बड़ी मछली तो नहीं फंसी लेकिन एक छोटी मछली फंसी है, वो भी पन्नी में। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। कोई बड़ी मछली अभी तक तो नहीं फंसी लेकिन ये एक छोटी मछली फंसी है। तो ये एक छोटी मछली फंसी है, काफी छोटी है ये, और ये बिना फंसे फंस गई, मतलब हाथ में आ गई थी। अभी फिलहाल कांटा लगा है कोई बड़ी मछली फंस जाए, वरना तो मछली तो हमने पकड़ ही लिया है। ये बार बार गिर जा रही है, बहुत कूद रही है। अब इसको हम लोग पन्नी में रख देंगे पानी डाल के। फस जा मछली, अरे ओरी मछली फस जा मेरे कांटे में। मछलियां बहुत सारी हैं लेकिन फस नहीं रही हैं कांटे में, काफी स्मार्ट हो गई हैं ये। उधर भी मार रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, देखो कौन पकड़ पाता है। फिलहाल सारा चारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके और हमें नहीं लगता कि आज पकड़ पाएंगे हम। तो गाइस पोजीशन चेंज करते करते थक गए और आज भी कोई मछली नहीं फंसी, लेकिन एक छोटी मछली जो है हमारे पकड़ में आ गई है। तो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, आगे का टास्क नहीं हो पाएगा, हमसे खा नहीं पाएंगे पका के। तो 10 मिनट और ट्राई करूँगा कि मछली अगर फंसती है तो ठीक है, वरना फिर हम घर को चले जाएंगे। 4 घंटा हो गया हम लोग मछली मार रहे हैं और अभी तक एक भी नहीं फंसी है, बस जाने ही वाले हैं। और काफ़ी भारी लग रहा है कांटा, लगता है कुछ फंसी है। ये फंसा भैया, फंसी है, फंसी है भैया, भैया भैया फंसी है। फाइनली एक मछली जो है ये देखिए फंस चुकी है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अपनी मछली जो है वो फंस चुकी है और ये काफ़ी पतली है। फिलहाल एक बड़ी मछली हमको मिल चुकी है और अब हम चल रहे हैं घर, क्योंकि हमारा जो टास्क वो कंप्लीट हो गया है, एक मछली पकड़ लिया है। गाइज ये सबसे अच्छा तरीका है अगर छोटी मछलियाँ पकड़नी है। हम लोग बहुत सारे कम से कम 50-60 मछलियाँ अब तक पकड़ चुके होंगे ऐसे। तो गाइज देखो कितना ज़्यादा मछली यहाँ पे फंस जाता है, ये देखो ये। फाइनली हमने जो है मछली पकड़ ली है और अब जा रहे हैं घर। सेकेंड डे जो है वो कामयाब हुआ है, कम से कम 50-60 मछली हम लोगों ने गमछे से पकड़ी है पानी को छान छान के। तो उसमें से कुछ जो अच्छी होंगी अलग अलग कलर की, उनको हम जो है घर में रख के पाल लेंगे, बाकी तो नदी में छोड़ देंगे या जिसको चाहिए होगा उसको दे देंगे। बाकी एक बड़ी मछली फंसी गई है, काफ़ी ज़्यादा थक गए क्योंकि सुबह से आए थे, अभी 12 बज रहे हैं और सुबह के हम 7 बजे आए थे, तो काफ़ी समय लग गया है यहाँ पे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जब आपका लास्ट समय होता है तभी आपको कामयाबी मिल जाती है। तो हार नहीं मानी मैंने, सब चले गए थे लेकिन हम और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, तो पकड़ लिया फाइनली और अब जा रहे हैं घर।